हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेकी के फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिंसिपल की। रेकी का फोर्थ प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा या करूँगी। तो आज के दिन मैं किसी भी परिस्थिति में चिंता नहीं करूँगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी भी परिस्थिति की कठिनाइयों का चिंतन नहीं करूँगा, उसको हल करने की योजना नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए कोई विपरीत स्थिति आ गई है या कोई दुर्घटना हो गई है और उसमें आपको चोट लग गई है, तो उस परिस्थिति में घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें। सोचें, इससे भी बुरा हो सकता था, भगवान ने बचा लिया। उसके बाद चिंतन करें कि अब क्या किया जाए, विचार विमर्श करके धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। इस प्रकार हर आने वाली घटना में भी आपका संतुलन बना रहेगा और आप घबराएंगे नहीं। जो भी जीवन मिला है उसे जिंदा दिली से जिए, चिंता करके नहीं। बाइबल में भी लिखा है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी बढ़ा सके। इसका मतलब है अगर चिंता करके कोई हल नहीं निकलता तो इससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी या यही आपकी एक नई परेशानी बन जाएगी। चिंताओं के बोझ से मन दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से मन खुश हो जाता है। अच्छी तरह सोचिए, आप जिस बारे में चिंता कर रहे हैं, क्या वह अगले दिन, अगले महीने, अगले साल या फिर आने वाले 5 साल के बाद मायने रखेगा? चिंता रोग का कोई इलाज नहीं है। समस्या में अपने आप को खाली ना रखें, अधिक से अधिक समय व्यस्त रहें ताकि खाली दिमाग परेशान ना करे। भगवान पर पूरा विश्वास करें, अपने प्रत्येक कार्य को पूरा करने में लगे रहें, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। आप अनेक शक्तियों के स्वामी हैं, उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। पूरे हृदय से प्रयत्न जारी रखें, चिंता नहीं उपाय करें। रेकी का फिफ्थ नियम है, जस्ट फॉर टुडे बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर। आज के दिन मैं हर जीव जंतु के साथ प्रेम भाव रखूंगा। प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु तथा वनस्पति जगत के साथ आज के दिन मैं प्रेम और आदर का भाव रखूंगा और वैसा ही व्यवहार भी करूंगा। दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखने से हम उनके द्वारा अपने प्रति भी प्रेम तथा सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रेम व सम्मान की यह भावना सहयोग को जन्म देती है और यही सहयोग सभी सुख और सफलताओं का आधार है। समाज में इस सहयोग के रहते कोई कठिन समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वो शब्द है प्रेम। रेकी में आपसी प्रेम ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव व वनस्पति जगत से प्रेम करने को कहा गया है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण प्राणियों एवं जीवधारियों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना कितनी चमत्कारिक एवं महान है, इस बात को भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सिद्ध कर दिया है। रेकी में यह 5 नियम वैसे ही हैं जैसे गागर में सागर भरा हो। रेकी इतनी सरल है, वह कहती है इन नियमों का पालन ना कर सके तो प्रयत्न तो करें, सदा के लिए नहीं केवल आज के लिए प्रतिज्ञा करें। प्रत्येक दिन प्रतिज्ञा करेंगे और पूरा करने का प्रयत्न करेंगे तो एक दिन अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे और आज आज में पूरी जिंदगी संभल जाएगी और आज ही पूरा जीवन बन जाएगा। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की अनुपम कीर्ति है, उनको स्वीकारें। प्रेम व आदर का भाव आपकी आत्मा का भी पोषण करता है। तो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।